हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम्स। आई एम ज्योति धवन और आज मैं आपको बताऊंगी एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, पे स्केल कितना आपको मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है और बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दूँ। 31 दिसंबर से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 30 जनवरी लास्ट डेट है, बट ये एक्सटेंड हो चुकी है 2 फरवरी तक। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए। ओके, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 30 मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग तक आपको जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं कि एग्ज़ाम कब होना है, तो 16 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई 3 दिन डिसाइड किए गए हैं। इन तीनों में से किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं और जो रिज़ल्ट है वो जुलाई तक आ जाएगा आपका। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कोई भी भर सकता है जिसने 10th पास किया है। ओके, जैसे एसएससी सीएचएल होता है वो 12th पास के लिए होता है और जो सीएचएल होता है वो ग्रेजुएट लेवल पर होता है, तो जो एसएससी एमटीएस है वो 10th पास वालों के लिए होता है। पर इसमें क्या होता है कि एज लिमिट होती है, तो 18 से लेकर 25 एज तक के लोग जो हैं इसको भर सकते हैं, पर जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनों के लिए एज रिलैक्सेशन भी होता है, 5 ईयर्स का होता है आई थिंक और 3 ईयर्स का होता है वो। ओके, तो अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उस टाइप से अपनी एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। नाउ फी डिटेल्स क्या है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये पे करने हैं और जो एससी स्टूडेंट्स हैं, एसटी स्टूडेंट्स हैं और जो फिज़िकल हैंडीकैप है और जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो है फ्री रखा गया है इसको, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, ये एज लिमिट मैंने आपको बताई दी कि 18 to 25 ईयर्स होने चाहिए। ओके, पे स्केल क्या आ जाता है, पे स्केल जो है 5200 से लेकर 20,200 तक का आपका पे स्केल है, प्लस 1800 का ग्रेड पे मिलेगा और इसमें जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जब वो लगेगा तो आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी जो सैलरी है वो 5200 से लेकर 20,200 के बीच लाई करेगी, प्लस 1800 ग्रेड पे। ओके, फिर ये जो है वैकेंसी जो है टोटल 8300 निकाली है एसएससी ने, जिसमें से जनरल के लिए 44,002 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 2565 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 739 वैकेंसीज हैं और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 594 वैकेंसीज हैं। अलग अलग रीज़न के अकॉर्डिंग ये जो है वैकेंसीज गिवन है, तो आपको जिस भी रीज़न में अप्लाई करना है तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, फिर पेपर का एग्ज़ाम टाइप क्या होगा, तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला होता है पेपर 1, फिर होता है पेपर 2। पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो पेपर 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ओके, तो जो पेपर 1 है अभी वैसे सभी उसी के लिए अप्लाई करेंगे, पहले जब उसका फिर रिजल्ट आ जाएगा उसको जिसने क्वालिफाई किया वो पेपर 2 देगा। ओके, तो पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग जो कि जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 25 ईच आएंगे और जो कि 25 मार्क्स होंगे, यानी कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन के 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओके, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के जो है 50-50 क्वेश्चंस हैं, 50-50 मार्क्स के, तो टोटल क्वेश्चंस जो है 150 आएंगे एग्ज़ाम में और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये 10 से 12 भी पढ़ सकता है आपका या फिर 2 से 4 बजे तक पढ़ सकता है, बट इट डजेंट मैटर। ओके, फिर जो पेपर 2 होता है, जो भी बच्चे पेपर 1 में सेलेक्ट हो जाएंगे वो पेपर 2 देंगे और उसमें क्या होगा कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें या तो आपको एक शॉर्ट एसे लिखना होगा या फिर लेटर लिखना होगा या फिर बोथ लिखने होंगे। ओके, 2 क्वेश्चंस होंगे, एक ऐसे लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा, वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो कोई भी
या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, 30 मिनट्स में आपको पूरा करना होगा। तो जो सेकेंड पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और जो स्कोरिंग है, जो लास्ट में जो सिलेक्शन होगा उसमें स्कोरिंग जिसकी ज़्यादा होगी पेपर वन में, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज पेपर सेकेंड जो है जस्ट क्वालिफाइंग है। ओके, अब मैं आपको ये बता दूँ कि एक्चुअली SSC MTS जॉब क्या है, बिकॉज सबको यही कन्फ्यूजन होती है कि MTS है क्या, इसमें आपको जॉब क्या करनी पड़ेगी। तो इसका नाम है मल्टी टास्किंग ऑफिसर, है ना। तो इसमें क्या है कि एक जैसे कि इसमें ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्शंस आपको करना हो सकता है, जनरल क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शंस, कैरिंग ऑफ फाइल्स और अदर पीपल विद इन द बिल्डिंग। इट डजेंट मीन कि आपको बहुत ही कम लेवल की जॉब दी जाएगी, काफ़ी अच्छी जॉब होती है, बिकॉज 10th के अकॉर्डिंग नहीं तो बहुत ही अच्छी जॉब है। और अगर आपके पास कोई ITI की क्वालिफिकेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी और हायर जॉब दी जाएगी। ओके, तो आपको मेनली क्या करना होगा कि कुछ फाइल्स वगैरह रखनी होगी या फिर उनको संभालना होगा, इसी टाइप से कुछ काम होगा इसमें। और ये मल्टीटास्किंग है तो आपका कोई एक ही पर्टिकुलर काम नहीं होगा, आपको बहुत सारी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम हो सकते हैं। ओके, फिर आता है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले उसका इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस पूरा देखना और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ओके, तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में एंटोनिम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, वॉइस एंड नरेशन आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, स्पेलिंग चेक। इसमें क्या होगा, एक बड़ी सी स्पेलिंग आपको देंगे, बहुत सारे स्पेलिंग्स होंगे बड़े बड़े, और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सी करेक्ट जो है स्पेलिंग है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सेंटेंस होगा और उसके कई वर्ड्स दिए होंगे, और आपको बताना होगा कौन सा वर्ड जो है परफेक्टली उस सेंटेंस को बताता है। तो वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, कुछ एरर्स होंगे उसमें आपको वही फाइंड करने होंगे कि कौन से पार्ट में जो है एरर है। क्लोज टेस्ट जो है एक लंबा सा पैरा होगा, उसमें बहुत सारे 1, 2, 3 ऐसे टाइप से ब्लैंक्स होंगे, वहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा। ओके, इसी टाइप से होगा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको फिलअप करना होगा। और आता है फिर रीडिंग कंप्रिहेंशन, इसमें से आपको क्वेश्चंस वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला आपको जो है करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी प्रिपेयर करने हैं, और करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और डेली ही करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके, फिर आता है कि इंडियन हिस्ट्री, इसमें है इंडिया एंड स्टेट ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी पूछते हैं कि बुक्स, ये बुक किसने लिखी है, इस बुक का ऑथर कौन है, इस टाइप से। इकनॉमी एंड फाइनेंस क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर्स आते हैं, एब्रीविएशंस एंड फुल फॉर्म्स आते हैं उनके, फुल एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ओके, जनरल साइंस आता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक GK आती है और करेंट अफेयर्स आते हैं। ओके, फिर है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें नंबर सिस्टम होगा, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क की एक पर्सन इतना काम इतने टाइम में कर लेता है, दूसरा इतने में कर लेता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, इस टाइप में इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, मेंजुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड DI। तो ये सब जो है 10th लेवल का है, ये सब हमने 10th में पढ़ा था, और ये सारी बेसिक चीज़ें आने वाली है, बहुत हार्ड जो है एग्ज़ाम नहीं आएगा, बिकॉज ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉगी, मिसिंग नंबर्स, सीरीज़ जो है वो नंबर सीरीज़ आ सकती है, सिंबल सीरीज़ आ सकती है, लेटर सीरीज आ सकती है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कैलेंडर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्यूब एंड डाइसेस, डायरेक्शन टेस्ट की एक पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया,
फिर उसने वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया, तो बताइए कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना किलोमीटर पहुंच गया। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन में, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। क्लासिफिकेशन, सेंटेंस एंड कंक्लूजन, कुछ सेंटेंस होते हैं उसके नीचे कुछ कंक्लूजन वो आपको बताना होता है कि ये कंक्लूजन इससे बनता है या नहीं। वेन डायग्राम एक्सेट्रा के क्वेश्चंस होते हैं। सिलॉग्स के क्वेश्चंस होते हैं, पजल, मैट्रिक्स, पेपर इमेजेस, वाटर इमेजेस, लॉजिकल क्वेश्चंस। ओके, ये है जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। फिर अब मैं आपको बता देती हूँ कि बुक्स कौन सी आपको रिकमेंड करनी है। इंग्लिश के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होती है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं, किरण के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिसमें कि पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सारे, जो कि सॉल्व होते हैं, तो आप इजीली इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फिर जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ये भी इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में। अदरवाइज आप ऑनलाइन शॉपिंग से भी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सब पे अवेलेबल है आजकल, तो उनसे भी आप मंगा सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी आप किरण के सेट्स ले सकते हैं, और अच्छा होगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, और इसमें सारे ही पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, और सिर्फ SSC MTS के नहीं, और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के भी इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज लास्ट में ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है रिजल्ट्स वगैरह सर्च करने में, तो ये जो है वेबसाइट है अलग अलग रीजंस के अकॉर्डिंग, तो जब भी रिज़ल्ट आता है या फिर आपको कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह देखनी है, तो आप इन वेबसाइट्स पर जाके जो है आप अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो सारी अलग अलग रीजंस की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट हो आपका स्टिल तो उसको कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कुछ और वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं SSC MTS इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो पिछले ईयर्स में आ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।